हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जैसे कि डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ब्लॉक एंड हो गया और ए ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हुआ है। ए ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द एंटी पेनल्टीमेट सेल एन माइनस टू इंटू एफ सब सेल, दीज आर कॉल्ड अ ब्लॉक एलिमेंट। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लास्ट का इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में एंटर करेगा उसको बोलेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट। तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स हैव डिवाइडेड इनटू टू सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज है 14 एलिमेंट्स एंड एक्टिनाइड सीरीज है 14 एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल्स। तो लैंथेनाइड सीरीज के पास में हमारे पास 14 एलिमेंट्स है और एक्टिनाइड सीरीज के पास भी 14 एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ब्लॉक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 28 इन ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ए ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट होगा। तो 28 एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हमारा लैंथेनाइड सीरीज और दूसरा एक्टिनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड सीरीज जो है हमारा वो 14 एलिमेंट और एक्टिनाइड सीरीज भी 14 एलिमेंट, 14 टोटल सेम करके क्या आया हमारा 28 एलिमेंट। तो टोटल बोल सकते हैं ए ब्लॉक में 28 एलिमेंट होगा। तो वी आर डिस्कस द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन लैंथेनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज इज सीरियम, प्रोमेथियम, नाइडियम, प्रोमेथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, थोरियम, यट्रोबियम एंड ल्यूटेनियम। ये हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। यहाँ पे देखेंगे चैप्टर डी एंड ए ब्लॉक जिसमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा है 2 और 8, ये इसका मीनिंग क्या है 2 और 8 का? 2 और 8 का मीनिंग ये है, 2 और 8 हमारा क्या है, ट्रिक है। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लैंथेनाइड सीरीज में करने से पहले स्ट्रिक को जानेंगे ये ट्रिक क्या बताता है। ट्रिक का मतलब ये है कि जो हमारा लैंथेनाइड सीरीज होता है एफ सबसेल होता है, एफ सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी 2 और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो हम इसके बारे में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे 2 और 8 नहीं होगा, यानी ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स एलिमेंट, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन। टोटल नंबर ऑफ 14 एलिमेंट होने के बाद 14 एलिमेंट होते हैं और इस 14 एलिमेंट में हमारा 2 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। ये ठीक से देखेंगे 2 और 8 नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे हम, हमारा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 4 एफ सबसेल्स, दीज आर कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 4 एफ सबसेल, दीज आर कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज। तो यहां पर सबसे पहले 4 एफ लिखेंगे, 4 एफ के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा है 5d और 5d के बाद आएगा 6f, यानी हम प्रिंसिपल क्वार्टर पर बढ़ाते जाएंगे और यह डीएस लिखिए। यह हमारा हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लैंथेनाइड सीरीज का होता है 4F, 5D, 6F। अब 4F, 5D और 6F में हम भरेंगे, यहाँ पे हमने लिखा जीनान। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि जीनान कहाँ से आ गया। जीनान जो है हमारा वो नोबल गैस है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से हम इसका कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन करके ये बताते हैं कि इसमें कितने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। हम लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल ना करके हम कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के 4 तरीके हैं, 4 ट्रिक है, 4 तरह से कर सकते हैं। तो पहला तो सबको पता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। सेकंड है हमारा कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मतलब है अगर यहाँ पे जीनान दिया हुआ है जीनान का अटॉमिक नंबर होता है 54, यानी हमको 54 तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं करना है। उसके आगे बचा है कितना, हमारा सीरियम का अटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे लिखा हुआ है 58, कितना लिखा 58। तो 58 का हम करेंगे 59 का करेंगे, यहाँ पे 60-61 का करेंगे। किसी भी एलिमेंट का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस तरीके से करते हैं। कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वेरी इजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है यह ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो यह ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है
वो बहुत लॉन्ग कॉन्फिगरेशन होता है जिसका एटॉमिक नंबर देख रहे हैं 71 तक आ रहा है, और एक्टिव 90 का करेंगे तो 90 से लेके 103 तक आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत गलत हो जाता है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अभाव प्रिंसिपल का फॉलो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गलत कर बैठते हैं। उसी की वजह से हमने यहाँ पे एक कोड बनाया, ट्रिक बनाया 2 और 8 यानी हमारा यह स्ट्रक्चर में 2 नहीं जाएगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे यह स्ट्रक्चर का। यहाँ पे देखिए दिनांक है 54, उसके बाद हम भरते हैं क्या यह स्ट्रक्चर, तो यह स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यह 54 और 2 मिला कितना होगा 56, और भरना कितना आपको तिलक करना 58, फिर उसके बाद डी में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 57 और उसके बाद बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा जब पे, तो बोल दिए 58, तो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ सही होगा। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है प्रोमेथियम, प्रोमेथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा जिना जिना हमारा होगा 54, और यहाँ पे उसके बाद हमारा यह में फिक्स है कि 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो क्या आएगा अगला नंबर आएगा 3, यानी 4F3 होगा, क्या हो गया 4F3 हो गया 4F3, और उसके बाद यह में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 54 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो कितने हो गए 54 और 5 मिला के कितना हो गया 59, तो हम कितने नंबर ऑफ एटम का कर रहे हैं 59 का कर रहे हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है। इसके बाद नाइट्रोजन का करते हैं, तो यहाँ पे जनान 54 आएगा, 54 और 54 के बाद हमने क्या किया यहाँ पे 3 को एक बार फिक्स कर दिया, तो हमारा क्या आएगा अगला इलेक्ट्रॉन आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 54 होता है 54 और 4 58, बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा 6s2 में आएगा, तो हमारा हो गया 16, यानी यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 होंगे। प्रोमेथियम में देखेंगे, पीएम में देखेंगे 61 आता है, हमारे यहाँ पे जिनान है, जिनान का होता है 54 हुआ और 61 हमको करना है, तो 4 हो चुका है, यहाँ में क्या आएगा 5 आएगा, तो 54 और 5 हो गया 59, बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें जाएगा, हमारा हो गया 6s2। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिल्कुल इजीली तरीके से बता सकते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को कहीं से पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं से कोई भी क्वेश्चन, एफ ब्लॉक का पूछे, पी ब्लॉक का पूछे, डी ब्लॉक पूछे, एम ब्लॉक पूछे, किसी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट दे दे उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिल्कुल इजी तरीके में निकालेंगे, कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे हमारा आएगा समरियम, क्या है समरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 62, कितना है यहाँ पे देखिए 62 है एटॉमिक नंबर, और समरियम का होता है 62, और जबकि हमको ये पता है ये पांचवें नंबर पे है, तो पांचवें नंबर पे हमारा इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 4F6 आएगा, और यहाँ का 54 मिला के 54 इसका होता है 6, इसका होता है 54 6 कितना हो गया 60 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ कहाँ जाएगा ये स्ट्रक्चर में जाएगा 62, ये हो गया 62। यूरोपियम का है हमारा, यूरोपियम का 63 है, यहाँ पे जिनान है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमको लर्न करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमको सीखना है, कैसे निकालेंगे ये नहीं पता है हमको, तो जो हमारा यूरोपियम है वो कौन सा एलिमेंट है छठवां एलिमेंट है, यानी 6 होगा, देखिए यहाँ पे 6 आया, और यहाँ पे हमारा आ गया क्या 7 आएगा, क्या आया 4F7, जो एक बार आ चुका है दोबारा नहीं आएगा, केवल 7 और 14 पे ही दोबारा आ सकता है, यानी हाफ स्टेबल और फुल स्टेबल पे ही आ सकता है, वरना और कोई नंबर दोबारा नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 4F6 6F2 आ गया, 6 6 7 2 6, यहाँ पे हमारा 63 है, तो यहाँ पे जिनान का 54 होता है, 54 और 7 कितना हो गया 61, बचा हुआ 2 63, यहाँ पे हमारा गैडोलियम, गैडोलियम का एटॉमिक नंबर 64, जबकि ये हमारा यहाँ पे भी F7 हुआ और यहाँ पे भी F7 हुआ, तो F7 हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया 5D1 आ गया, क्यों, क्योंकि ये हमारा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, यानी जैसे 14 इलेक्ट्रॉन है तो गैडोलियम हमारे कहाँ पे पहुँचता है 7वें पे, गैडोलियम पे 7वें पे, तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन आएगा, वरना डी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। हमारा टर्बियम है, टर्बियम का होता है 65 में हमने 54 का कर लिया, उसके बाद ये 9 हो गया, यानी देखिए यहाँ पे 8 नहीं आ गया, 7 के बाद सीधे क्या आ गया 9 आ गया, 9 आया तो यहाँ पे 54 और 9 मिला के कितना हो गया 63, और 63 और 2 बचा हुआ 65 और उधर रहेंगे इसका 65। इसी तरह से डिस्प्रोसियम का देखेंगे 66 होता है, यहाँ पे 4F9 आ चुका है, तो यहाँ पे सीधे क्या होगा 4F10, और यहाँ पे 54 होता है 54F10 64,
अब बचा हुआ कितना सीपी कौन से सीपी टू है, बचा हुआ टू मिला ब्रांच के में जाएगा, यस में जाएगा। हो तो तुम लोगों को ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली समझ में आ रहा होगा। ये हमारा होलमियम है, होलमियम का हमारा एक आगे नंबर होता है कितना 67। जबकि यहाँ पे हमारा जेनॉन का सबको पता है 54 होता है, बार बार दिखने की जरूरत नहीं 54। और यहाँ पे 11 तो 65 और 65 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 67 हो गया। ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इजी। इसी तरह से ये सिंपल वे में 68 क्या है 68 और यहाँ पे 54 होता है 54 और टर्म करेंगे तो कितना आएगा 66 और दो बचा हुआ 68। इसी तरह से आगे 69 का करना है तो 4 या 13 हो गया। इसके बाद हम फिर चलते हैं यहाँ पे 17 नंबर का करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे जीनान नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे भी हमारा जीनान होगा, यहाँ पे भी हमारा जीनान होगा, यहाँ पे हम एक्स भी लिख देंगे क्योंकि हम पूरे एलिमेंट को एक्स से कंपेरिजन करते हैं 54 और 10 64 64 4 68 और 2 17। ये हमारा है करेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आता है हमारा ल्यूटेनियम। ल्यूटेनियम जो है 4 या 14 यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं जीनान को लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे हमने जीनान लिख दिया, जीनान 54 और 10 64 64 4 68 और 68 2 68 2 17। और बचा हुआ जो 71 का करना वो कहाँ से जाएगा 5 में जाएगा, तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ। तो वाचिंग दिस वीडियो और अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लेंथ एंड हाइट स्क्रीन, सबसे पहले आप इस वीडियो को डीपली देखिए, इसको समझिए। हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं, लेंथ एंड हाइट है, इसका कोड क्या होगा 2 8 होगा, यानी हमारा जो एफ सब्सटेंस जब भरा जाएगा उसमें 2 और 8 नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए F1 हुआ F2 हुआ नहीं हुआ, F2 नहीं आया, F3 आ गया, F4 आया, F5 आया, F6 आया, F7 आया, F7 आया, लेकिन 8 नहीं आया, F9 आ गया। तो कहने का मतलब यह है इसका जो कोड होगा 2 और 8 होगा, यानी अब सबसेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे जाएंगे, ये हमारा एक्सेप्शन में आएगा। उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं उन सबको हम इजिली इस वे में क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं कितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी बहुत ईजी है, जितने नंबर आप बैलेंस इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सीरियम, तो सीरियम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है, ये तो हमारा डी और एस नियरेस्ट होता है, इसके अंदर की गैप बहुत कम होती है, तो ये 2 और 1 मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ऑक्सीडेशन +3 भी आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका भी चला जाएगा तो +4 भी आएगा। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपने आप को स्टेबल कर रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें 5 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी आएगा, +3 आएगा, +4 आएगा, +5 आएगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम निकाल सकते हैं इजी तरीके से। तो बहुत ही आसान तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना। तो हमने जो सिंपल सा तरीका जो सिंपल सा टेक्निक बताया है लेंथ एंड हाइट एलिमेंट के लिए लेंथ एंड हाइट सीरीज के लिए, वो हमारा टेक्निक क्या है 2 एंड 8 को हम क्या करेंगे जब एफ सबसे में नहीं फिल करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी गलत नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन भरने का क्या सही क्रम होगा, क्या सही तरीका है, वो हमने आपको बता दिया। कोई भी हमको लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, सीधे सीधे हमको जेनॉन से कंपेरिजन कर लेना है। जेनॉन से कंपेरिजन करके हम बता सकते हैं कि एफ सबसे में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा। तो हमारा दो ही जगह डी में इलेक्ट्रॉन जाता है, एक हमारा फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहाँ पे हाफ आर्बिटल होता है वहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन जाता है, और जहाँ पे फुल आर्बिटल होते हैं यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे डी सबसे में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है। अंतिम हमारा कहीं पे डी इलेक्ट्रॉन में डी सबसे में कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता है, ओनली एफ और एस में करता है। और ओनली एफ और एस में करने के लिए हमने नियम बताया, रूल्स बताया, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से कहीं पे भी बताया नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, उसकी रूल्स भी पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी किस तरीके से निकालेंगे। हम नेक्स्ट डे में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सिंपल सा ट्रिक बताएंगे जिससे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट भी लेंथ एंड हाइट सीरीज का एंड हो जाएगा। उसके बाद हमारा एटॉमिक रेडियाई यानी रेडियाई के बारे में बताएंगे, एटम का रेडियाई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज करते हैं लेंथ एंड हाइट कंस्ट्रक्शन की वजह से, कंट्रक्शन की वजह से, और अप डाउन आने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, साइज बढ़ती जाती है क्योंकि यन हमारा बढ़ता है।
ऊपर से नीचे जाने पे साइज बड़ी और लेफ्ट राइट जाने पे साइज छोटी होती है लैंथेनाइड कंट्रक्शंस की वजह से, यानी हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। अब इसके बारे में नेक्स्ट डे में डिस्कशन करेंगे लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट के बारे में, और इसके और ज़्यादा जानकारी देंगे हम आपको या ब्लॉक एलिमेंट्स में।